तो गाइस जो हमारी आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग फ्री में बाइक की स्किन ले सकते हो। ठीक है, कल ही एक पोस्टर बना हुआ आया था जिसमें हम लोगों को मेंशन कर दिया गया था कि आप लोगों को बाइक की स्किन मिलेगी जो कि एकदम फ्री में मिलेगी। लेकिन गाइस इस बाइक की स्किन को सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसी है। तो आप लोग सबसे पहले ये बाइक की स्किन देख लो, कुछ इस तरह की है। तो कौन नहीं चाहता कि हमारे पास ये बाइक की स्किन हो जब आप लोग एरेंगल मैप के अंदर इस बाइक को लेकर के घूमोगे, तो मतलब यार अलग ही एक फीलिंग आने वाली है। तो गाइस आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि जो बोर्ड गेम है उसके जरिए आप लोग इसको ले सकते हो। बोर्ड गेम को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो गाइस आप लोग इस स्किन को बहुत जल्दी ले लोगे। अगर आप लोगों ने नहीं समझा ना तो गाइस आप लोगों का टाइम भी निकल जाएगा और आप लोग इस स्किन को ले भी नहीं पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक जरूर देख लेना, तभी आप लोग इस वाली स्किन को ले सकते हो, वरना आप लोग इस स्किन को नहीं ले पाओगे। तो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को इसके लिए करना क्या है, बोर्ड गेम को कैसे खेलना है, बोर्ड गेम के क्या क्या रूल्स हैं। तो सारा का सारा आप लोगों को गाइस समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा इवेंट वाले ऑप्शन पर। और गाइस इवेंट से एक चीज़ और बता दूँ, इसमें गाइस दो तीन नए नए इवेंट आए हैं जिसमें आप लोगों को परमानेंट कुछ चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो, कई सारी चीज़ें इधर आप लोगों को मिल रही हैं जो कि मैंने फर्स्ट डे लॉगिन करके बैग ले लिया है। बाकी ये कुछ चीज़ें सिर पर पहनने की और ये मुंह पर लगाने के लिए, तो ये दोनों आप लोगों को परमानेंट मिल रही है। बाकी कुछ कूपन वगैरह और सिल्वर फ्रेगमेंट्स हैं। उसके बाद गाइस अगर आप लोग वेक्टर्स गिफ्ट में आओगे तो गाइस इधर आप लोगों को एक फ्रेम मिल रहा है जो कि ये भी परमानेंट है। ठीक है, फ्रेम मिल रहा है, उसके साथ साथ एक अवतार भी मिल रहा है। ये गाइस आप लोगों को तब मिलेगा जब आप लोग यूसी से कुछ भी परचेज कर लोगे। इसको परचेज नहीं करना, यूसी से कुछ भी परचेज करो तो आप लोगों को ये चीज़ भी देखने के लिए मिल जाएगी। अब जो गाइस मेन चीज़ है हमारी बोर्ड गेम को खेलने के लिए, जिससे हम लोगों को ये बाइक की स्किन मिलेगी। ठीक है, बोर्ड गेम में एंटर होने से पहले ही आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट डे लॉगिन करना है, उसके बाद में आप लोगों को एक क्लासिक मैच कंप्लीट करना है, दो एनिमी मारने आप लोगों को क्लासिक मैच के अंदर, और उसके बाद चार एनिमी मारने आप लोगों को क्लासिक मैच के अंदर। तो इसके बदले में आप लोगों को कई सारी फ्यूल की कैन मिल जाएंगी। फिलहाल आप लोगों को 5 फ्यूल की कैन इधर से मिल जाएगी। अब ये फ्यूल की कैन ही यूज़ करके आप लोगों को उस बोर्ड गेम को खेलना है। ठीक है, तो बोर्ड गेम का अगर आप लोगों को नहीं पता कहाँ से मिलेगा तो गाइस इवेंट के नीचे एक एरो बना हुआ आ रहा होगा, इस पर सिंपली टैप करना। जैसे ही आप लोग टैप करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह की स्लाइड्स बनी हुई आएंगी, इसको आप लोग जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को वॉकिंग डेड का कुछ इस तरह का इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब गाइस आप लोगों को इसमें तीन चीज़ें समझनी है। पहला तो आप लोगों को इस मैप को समझना है, उसके बाद आप लोगों को ये जो नीचे सेलेक्ट व्हीकल लिखा हुआ है इधर से आप लोगों को व्हीकल को समझना है, और साथ ही साथ करंट पॉइंट आप लोगों को ये भी समझना है। ठीक है, करंट पॉइंट से भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई इसमें रिडीम करना है, कैसे करना है। तो आप लोगों को रिडीम नहीं करना, आप लोग सिंपली जैसे जैसे चलते जाओगे 10 पॉइंट आप लोगों ने पार करे तो आप लोगों को कूपन मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने 30 पॉइंट पार करे तो ये आप लोगों को दूसरा वाला कूपन मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग फिर 60 पॉइंट पार करोगे तो आप लोगों को AKM की स्किन और उसके बाद में बाइक की स्किन। इसके बारे में भी अभी मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छी तरीके से। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें बनी हुई है, हेलमेट है, वेस्ट है, बैग है, तो इनके ऊपर गाइस कुछ नंबर डले हुए हैं। ठीक है, यही पॉइंट आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब ये जो चेन चलेगी मतलब कुछ इस तरह से चलेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे अभी मैंने आप लोगों को बना करके दिखाया, कुछ इस तरह से गाइस ये हमारी बाइक से किसी से भी जाओ तो कुछ इस तरह से चलने। अब गाइस जहाँ भी आप लोग गाड़ी रुकती है तो उतने ही आप लोगों को पॉइंट मिलते हैं। जैसे मान लो हम लोग बाइक से गए, ठीक है, बाइक से जाने पर बाइक से एक या दो, एडवांस एक दो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इधर से स्टार्ट से काउंट करो, एक दो, मैं बाइक से ही आया था तो आप लोग देख सकते हो एक या दो कुछ भी आ सकता है आप लोग का। मुझे एक चाहिए था लेकिन मेरा दो आया तो मैं वहाँ पहुँच गया। अब अगर हम चलते हैं ऑटो से तो ऑटो से गिन लेते हैं तो एक दो तीन चार, तो गाइस आप लोग देख सकते हो उधर बैग या फिर इधर इस पर आ सकता था मैं वेस्ट पर। ठीक है, तो इन दोनों में से मुझे कुछ भी मिल सकता है। अगर मैं कार से आता तो इधर से 5 या 6 पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो गाइस आप लोग देख सकते हो हेलमेट या वेस्ट इन दोनों में से मैं कहीं भी आकर के रुक सकता था। ठीक है, तो इसमें अपने आप डिटेक्ट करता है कि ये 5 लाना है या 6 लाना है, मतलब अपने आप देख करके खुद ही ये आप लोग को दे देते हैं। तो गाइस इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, दिमाग सिर्फ आप लोगों को यही लगाना है इसमें कि आप लोगों को कितने पॉइंट चाहिए आगे जाने के लिए। ये नहीं है कि आप लोग 5 या 6 दबा करके आगे भगते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। जितने जितने आप लोगों को पॉइंट मिलते जाएंगे उस हिसाब से आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो सप्लाई क्रेट कूपन है, क्लासिक क्रेट कूपन है, उसके बाद में AKM की सिल्वर बुलेट स्किन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्किन है। और उसके बाद जो गाइस हमारा मेन मकसद है बाइक, वो हम लोगों को सिंपली यहाँ पर मिल रही है 120 पॉइंट कलेक्ट करने पर। तो गाइस इस पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देना है इस चीज़ पर। ठीक है, इस मतलब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना अच्छी तरह से, जितने भी आप लोगों के पॉइंट बनते हैं। ठीक है, इधर आप लोग कहीं 3 पॉइंट बने हुए हैं, कहीं आप लोग कार 98 पर देखोगे तो आपके 5 पॉइंट हैं, कहीं आप लोग 3 हैं, कहीं 2 हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को इसमें एक -1 भी दिख रहा होगा स्टार्ट के जस्ट नीचे। तो आप लोग गाइस इसमें सिर्फ यही दिमाग लगाना है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप लोगों को सिंपली भागते नहीं रहना, इसके अंदर भागते मत रहना। आप लोग ये देखना कि आप लोगों को कितने पॉइंट मिल रहे हैं, क्योंकि सारा खेल पॉइंट का है। अगर आप लोगों ने पॉइंट कमा लिए अच्छे खासे तो गाइस आप लोग जल्दी से स्किन को ले लोगे। अगर आप लोगों ने पॉइंट नहीं कमा पाए तो गाइस आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सिंपली करके दिखाता हूँ, इसको चला करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे अभी इसमें इसके अंदर पॉइंट अर्न करता हूँ। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले हम लोग व्हीकल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे अभी जाना है कम से कम 2 नंबर पर।
तो गाइस आप भी अपने हिसाब से पॉइंट देख करके सिलेक्ट कर लेना कि कौन से पॉइंट कहाँ पर आप लोग अगर रुकते हो तो ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं काउंट करके, ठीक है। तो मैं फाइनली अभी इन दो पॉइंट पर रुकने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ ऑटो का, क्योंकि ऑटो से मुझे 3 से 4 पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट मतलब मिल सकता है। तो मैं फिलहाल अभी इधर यूज़ करता हूँ ऑटो से, और ऑटो से मैंने काउंट कर लिया और मुझे पता है मैं कहाँ रुकने वाला हूँ। सिंपली हमको एक्शन पर टैप करना है, और अभी आप लोग देख सकते हो Advanced 3 लिखा हुआ आया, तो मेरा ऑटो खुद चल करके 3 पर जा करके रुक गया। और आप लोग देख सकते हो मेरे करंट पॉइंट 2 हो चुके हैं, तो आप लोग इधर देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसी तरह से आप लोगों को इसका यूज़ करना है। तो मैंने भी अभी थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि अगर मैं 1-2 करता तो मेरे को फिर से 1 पॉइंट ही मिल पाता, क्योंकि बाइक हमारी 1 या 2 जगह पर ही जा सकती है, लेकिन जो हमारा ऑटो है वो 3 से 4 जगह पर जा सकता है। तो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया। अगर मैं अभी भी गाइस गाड़ी से जाता हूँ तो मेरे हेलमेट पर आकर के मैं +3 तो हो सकता हूँ, लेकिन -1 भी हो सकता हूँ। तो मैं इसलिए ऑटो का यूज़ कर रहा हूँ फिर से, और ऑटो का यूज़ करके मैं फिर से आगे बढ़ते हुए इधर से आ जाता हूँ वेस्ट के पास। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी जो भी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्योंकि गाइज़ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा भी टफ नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा सा समझोगे तो आप लोगों की समझ में सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं इसलिए बोल रहा था आप लोग सबसे पहले कलेक्ट कर लेना सारी की सारी चीज़ें। और गाइज़ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोग खुद देख सकते हो मैं क्रॉस करता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर मैं जाकर के रुकूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई अगर हम मतलब लंबा लंबा मतलब हम दूर दूर जाते हैं तो गाइज़ हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी हमारे मतलब हम पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हो मैं ऑटो लेकर के यहाँ पर जैसे ही रुका तो मुझे 5 मिल चुके हैं, मतलब 5 पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से गाइज़ आप लोगों को भी पॉइंट मिलेंगे कुछ इसी तरह के, ठीक है। तो ये मत सोचना जो आप लोग पीछे छोड़ के जा रहे हो वो भी आप लोगों को मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग जहाँ पर भी जाकर के रुकोगे वहीं आप लोगों को पॉइंट मिलेंगे। तो गाइस जल्दी से जाओ, फटाफट से जाकर के सारे पॉइंट कलेक्ट करो। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो मुझे कॉमेंट कर देना, मैं आप लोग कॉमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से एक बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।